अस्सलाम वालेकुम डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम मीठे की रेसिपी लेकर आए हैं, यानी कि आज हम बनाने जा रहे हैं शाही सेवियाँ, नवाबी सेवियाँ, जो बहुत मज़े की बनती हैं और खोए का जायका आता है, बर्फ़ी टाइप का टेस्ट आ रहा होता है। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन ले रहे हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा करके ऑयल डाला है। ऑयल अपने साथ इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद मैंने सेवियाँ ली हैं, पतली वाली जो सेवियाँ होती हैं वो मैंने ली हैं। उनको मैंने हाथों की मदद से छोटा छोटा कर दिया है और यहाँ पे मैं 2 पैकेट्स इस्तेमाल कर रही हूँ सेवियों के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चली जाएंगी जी सेवियाँ। इसके बाद जी मैं चम्मच से थोड़ा सा इसको हिला दूंगी, ठीक है, मिक्स करूंगी ऑयल के साथ। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ 1 कप के करीब, ठीक है। आपने साबित शुगर इस्तेमाल नहीं करना, आइसिंग शुगर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको पता है कि चीनी बनना पानी छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसिंग शुगर को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जब आइसिंग शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें मैं डालूंगी ड्राई दूध, ठीक है, वो भी मैं तकरीबन लूँगी 1 कप। और वो डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं है तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, खोया डालिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ड्राई मिल्क डाला है, आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्की आँच में आपने पकाना है ताकि ये जले ना और फ्राई हो जाए, ठीक है। ये इसका जैसे कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ओके व्यूअर, यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, पिस्ता, बादाम और अखरोट। जी व्यूअर्स, अलग से मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 1/2 प्याली मैंने ली है चीनी की, और मैं डाल दूँगी इसको उबाल करने के लिए रखूँगी। अलग से मैंने दूध लिया, उसमें मैं मैंगो कस्टर्ड के स्पून्स डालूँगी, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको दूध में मिक्स कर दूँगी। हमें कस्टर्ड चाहिए गाढ़ा, हमें ज़्यादा थिक चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम थोड़ा सा पतला रखते हैं लेकिन हमें यहाँ पर थिक चाहिए, आप देखें इसकी थिकनेस। तो ऐसे आपने बनाना है, आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेयर्स बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो मैंने सेवियाँ फ्राई की थी वो फर्स्ट में वो चली जाएंगी, ठीक है। तो सेवियों के बाद जो कस्टर्ड मैंने बनाया था मैंगो फ्लेवर, वो कस्टर्ड चला जाएगा, ठीक है। लेयर्स बनते जाएंगे, जैसे बिरयानी में लेयर्स बनते हैं वैसे इसमें लेयर्स बनेंगे। इसके अलावा जो कस्टर्ड की तह लगने के बाद इसमें आगे मैं सेवियाँ जो मैंने फ्राई की थी वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे जी खोए वाली सेवियाँ चली जाएंगी, और सेवियाँ डालने के बाद इसके ऊपर भी मैं खोया डालूंगी। खोया आप इसके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में मौजूद नहीं है आप छोड़ दीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाले हैं। और जी ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा। और जी अल्लाह हाफिज़।